हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय जॉब. तो आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, कैसे जॉब मिली, क्या है, क्या सीन है और कैसे मैं जा रही हूँ. तो वो मैं सारा दिखा दूंगी. और आज अंधेरा भी नहीं है तो सही दिखेगा. बहुत लोगों के कोल्स वाली वीडियो पर मैसेजेस थे कि आप कौन से सुनसान एरिया में रहते. तो गाइज जो आगे वाला रास्ता है, जो मतलब पूरा बिजी एरिया है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है. तो मैंने ये शॉर्टकट फाइंड किया है और यहाँ से आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हो. इवन दो ये थोड़ा सुनसान सा लगता है, बट स्टिल सैटरडे संडे आपको हर एक सबब सुनसान मिलेगा क्योंकि 5 बजे सब बंद हो जाता है. तो गाइस सामने आपको ये जो दिख रहा है पूरी ग्रीनरी, ये एक पब्लिक पार्क है यहाँ का, बहुत सुंदर है. एक दिन इसमें मैं खुद भी नहीं आई अभी यहाँ पर, तो एक दिन ज़रूर आप सभी को लेके आऊँगी. बहुत ही बड़ा और सुंदर पार्क है. तो किसी दिन छुट्टी वाले दिन आई विल डेफिनेटली कम. ओह माय गॉड, ये क्या लगे हुए नींबू. नहीं 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 गाइस, ये वो है, मौसमी है. बट जस्ट लुक एट इट गाइज, आई टोल्ड यू कि मतलब इफ यू आर फिल्मिंग एंड इफ यू कैप्चर समबडी दे कैन पॉइंट यू आउट. वो आपको तभी के तभी बोल सकते हैं दैट दे डोंट लाइक टू गेट फिल्म्ड. So just be careful about this thing and make sure that you know you are not filming anybody because they may ask you to stop the camera because everybody have their own privacy concerns and ये गोरे थोड़े समकी होते हैं. इनको लगता है हम इनकी फ़ोटो बना रहे हैं, बट नहीं, हम तो लोकेशन की फ़ोटो बना रहे हैं, बट कौन समझाए. तो गाइज कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, फटाफट कैमरा बंद कर देने का. जिन्होंने मेरी कॉल्स वाली वीडियो देखी है उनको ये एरिया पहचान में आ गया होगा. एक मिनट जाएंगे अभी रिचमंड, ठीक है. ये जॉब के बारे में भी बताऊंगी, सब बताऊंगी आई गेस. वो मैं थोड़ा शांति से बैठ के बताऊंगी ताकि समझ आए आप लोगों को, नहीं मुझे भी समझ में आए, ठीक है. लेकिन हाँ दिखा देती हूँ कैसे ट्रैवल करती हूँ रोज़ और व्हाट्स द सिनेरियो. सो चलो चलो गाइस, यहाँ पे आदमी जैकेट पहने ना पहने, कुत्तों को ये लोग जैकेट पक्का पहना के रखते हैं. वो तो गाइस उस दिन मैं दिखा रही थी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये सारा लकड़ी का बनेगा, सारा आपको दिख भी रहा होगा, हर चीज़ लकड़ी की है. ये इसमें कुछ भी कंक्रीट कुछ भी नहीं डलता, सब लकड़ी का होता है. देखो ये आ गया स्टेशन. गाइस ट्रेन तो निकल गई. मैं पहुंच चुकी हूं रिचमंड और सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती क्योंकि ऑफिस आवर्स होते हैं. तो रिचमंड एक मतलब बड़ा स्टेशन भी है, इसीलिए भी यहां पे ज़्यादा भीड़ है. और जो लोग यहां से नीचे जा रहे हैं वो जा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरे ट्रेन्स पकड़ने. मुझे लेनी है एग्ज़िट, तो मैं जा रही हूँ स्ट्रेट और फिर हम लेंगे यहाँ से एग्ज़िट. फॉर एग्ज़िट तो यहाँ पे हम करेंगे माइकी कुत्ता, ये खुल गया. और चलो भाई गाइज, मैंने मेट्रो के अंदर फिल्म नहीं किया क्योंकि एज आई टोल्ड सुबह का टाइम है एंड बहुत ज़्यादा रश होता है. मुझे सुबह सुबह कोई भी सिर्फ दर्दी नहीं लेनी थी,
यू नो फिल्मिंग इन क्राउड एंड देन कोई मुझे बोल दे कुछ व्हाई आर यू फिल्मिंग, सो आई डिड नॉट टेक दैट रिस्क. सो गाइस ये देख लो, ये है रिचमंड. अच्छा ये मतलब ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ, ये देख लो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सबर्ब. गाइज आई एम नॉट श्योर कि मैं अंदर से वीडियो बना पाऊंगी या नहीं, बट हाँ ट्राई ज़रूर करूँगी अगर थोड़ी बहुत वीडियो निकाल पाऊँ, बिकॉज पीपल वॉन्ट अलाउ. तो अब यहाँ पे ये सब वेट कर रहे हैं टू क्रॉस द रोड. गाइज ये है मेरा ऑफिस, देख लो ये रहा इधर. अब मैं एंट्री करूँगी, एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, मेरे को ही निकाल देंगे. यहाँ के ये घर देख लो प्यारे प्यारे से. हाँ जी, तो फाइनली पहुँच चुके हैं गाइज मेरे ऑफिस और अब मैं ले रही हूँ अपना लैपटॉप. ऑब्वियसली मैंने अभी नहीं बताया कि मैं क्या करती हूँ, तो जब तक नहीं बता रही तब तक कमेंट्स में जाके गेस करो. ऑब्वियसली एंड में आपको सारा पता चलेगा, बट अभी के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ. सो गाइज यहाँ पे हमारा कैफेटेरिया पूरा शूट नहीं कर पाए क्योंकि टडा तो ये गाइस चुपके से बनाई हुई वीडियो है क्योंकि कोई भी नहीं आया था उस टाइम तक, तो मैंने फटाफट कैप्चर कर लिया था जस्ट फॉर माय यूट्यूब फैमिली. तो ये है मेरा पूरा ऑफिस. तो ये है मल्टी मॉनिटर्स, मतलब मेरा लैपटॉप जो है वो दो स्क्रीन से कनेक्टेड है क्योंकि काम गाइस वो सारा बताऊंगी क्या काम है. तो गाइस तीन तीन स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है एक काम करने के लिए. तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सिटिंग एरिया. ये वैसे तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं मतलब ऑफिस में, बट मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर का व्यू मिलता है. तो बस काम करती हूँ, चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, खाना खाती हूँ, गोरों को ताड़ती हूँ, फिर काम करती हूँ. तो ये साइड में जो शीशा लगा हुआ है यहाँ से मतलब बहुत लोग आते जाते हैं तो बस मज़े आते हैं. तो गाइस 5 बज गए हैं और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है. थोड़ा सा अंदर से देख लो. नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माय होम. और इस टाइम ट्रेन बिल्कुल खाली मिलती है, सुबह पूरी ठोकी हुई मिलती है और इस टाइम ट्रेन आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, मस्त सीट मिलेगी. तो गाइस उतर चुकी हूँ मैं बालाक्लावा स्टेशन और अब हम जाएंगे नीचे. उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एमआई की, इसको यहाँ पे टैप किया, ठीक है वो हो गया एंड देन यू आर गुड टू गो. इफ़ यू वांट टू रिचार्ज योर माई की, दिस इज़ द मशीन, यू हैव टू पुट इट लाइक दिस एंड आपको सारा पता चल जाएगा आपकी माइकी के बारे में. माइकी का बैलेंस है $3.90, बट मैंने एक मतलब मंथली पैक लिया हुआ है विच इज़ वैलिड अप टू 28 डेज. तो 13 जुलाई को मेरा एक्सपायर होगा ये, सो तब तक के लिए मुझे कुछ भी मतलब नहीं करना पे. तो मैंने ये रिचार्ज करवाया था $154. अगर मैं ये रिचार्ज ना करवाऊँ तो गाइज मेरे पर डे के $8.80 लग रहे थे, और जो मैंने 28 डेज का रिचार्ज करवाया है वो हुआ मेरा $154 का, विच इज़ सस्ता. सो गाइस अब मैं बताऊंगी आपको अपनी जॉब के बारे में. बैकग्राउंड देख लो पहले तो, ये एक पार्क है तो मैंने सोचा कि आउटडोर में बना लेती हूँ, बट मेरी किस्मत देखो छाता पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि बारिश आ रही है और ये फ़ोन वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है तो इसको भी कवर कर रही हूँ. देख रहे हो मेरी मेहनत, देख रहे हो. तो गाइस अब बताती हूँ सारा कि क्या क्या बताना था, जॉब कैसे मिली, जॉब क्या है और पे रेट क्या है, राइट. हाँ तो गाइस मतलब ये बहुत आपको अलग सा लगेगा और ये अलग है भी. मैं बताती हूँ क्या सीन बना. तो पहले तो ये बता देती हूँ मैं जॉब कहाँ करती हूँ. तो गाइस मैं जॉब करती हूँ एक आईटी कंपनी में. It's not easy to have a job in an IT company being an international student. ये for sure है, ठीक है. मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ गाइज वो डेटा इंसाइट्स कलेक्ट करती है और रिपोर्ट रेडी करती है. तो यूँ कह लो कि जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ उसका प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुकी हूँ. अब आप पूछोगे कि कैसे लगी, क्या कुछ रहा सिस्टम.
तो गाइज़ मैं बताती हूँ, इंडिया में मैं जहाँ जॉब कर रही थी वो भी एक डेटा इंसाइट्स कंपनी है और मेरे पास ऑलरेडी 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस था. तो वन फाइन डे माय डैड कम्स टू मी एंड ही सेज कि बेटा एक काम कर, जो तू काम कर रही है ना यहाँ पे वो जाके सर्च कर. मैंने कहा, मैंने डैडी को साफ साफ कहा, मैंने कहा डैडी इट्स नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से आईटी वाले जाते हैं और वहाँ पे वो वही डिलीवरी वाला काम और वही रेस्टोरेंट्स वाला काम वो सब करते हैं. तो ही वाज लाइक कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, रिजेक्ट हो जाएगी, वो लोग मना कर देंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर तू ट्राई तो कर. तो आई वाज लाइक, मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैं इंडिया में हूँ और मेरी जॉब लग जाए ऑलरेडी बिना पहुँचे. सो ही वॉज लाइक, ही वॉज पुशिंग मी सो मच. दिन तो डैड ने क्या किया, लैपटॉप लेके आया और मेरे पास में आके बैठ गया. एंड ही वॉज लाइक आज तो तू अप्लाई कर. कि मैंने अपने डैड की उससे मैंने अप्लाई कर दिया गाइस, ठीक है. और मैं बताती हूँ ऑलमोस्ट, गाइस ये बैकग्राउंड सुन रहा है क्या, सुन रहा है तो इसके लिए माफ़ कर देना. तो गाइज क्या हुआ कि मैंने बस अपने डैड की खुशी में, ट्रेन जा रही है तो मैंने अपने डैड की खुशी के लिए आई वाज लाइक ठीक है, मन उतार के मैंने अपना रेज्यूमे डाल दिया, ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल डाल दी, मैंने अपने बारे में लिख दिया उसमें. एंड आई हैव टोल्ड दैट आई एम ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, गाइज मेलबर्न की कंपनीज में. तो मैंने बता दिया दैट आई एम ट्रैवलिंग टू मेलबर्न एंड दिस इज़ माई जॉब, मेरा ये एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट. तो गाइज लाइक लिटरली उनका मेरे पास मेल आता है 20 दिन के बाद सेइंग व्हेन आर यू अवेलेबल टू वर्क हियर. मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी, ओ भाई इतनी खुशी हो रही मेरे को, इतनी खुशी हो रही. मैं भाग के गई हूँ अपने मॉम डैड के पास एंड आई वाज लाइक उनका रिवर्ट आ गया. और मेरे डैड ही लाइक मैंने बोला था ना आएगा. और मैं फुल शॉक में, मैंने कहा ऐसा हो कैसे गया, रिवर्ट कैसे आ गया. मैंने तो तभी विदिन सेकेंड उनको रिवर्ट कर दिया कि ना मैं 4 को आ रही हूँ और मैं 8 से काम करना शुरू कर दूँगी. मेरी हाइपर एक्टिवनेस देखो, मतलब मुझे ये था भाई तुम रख लो मुझे, कुछ भी करके मुझे रख लो. तो गाइज लिटरली उनका नेक्स्ट 20 दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया और मैंने मतलब होप भी छोड़ दी थी कि उनका रिवर्ट आएगा. तो उनका रिवर्ट फिर से आया मेरे पास सेइंग दैट यू नो वी आर सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स एंड शी वॉज लाइक व्हेन आर यू रेडी टू टेक एन इंटरव्यू. तो गाइज इंटरव्यू के लिए भी मैं ठहरी उतावली. मैंने कहा भाई कभी भी ले लो तुम आज ले लो, तुम कल ले लो, मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो सारी प्रोसेस पता ही है क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो भी जॉब रोल है उसका मुझे सारा पता ही था. तो उन्होंने मेरी नेक्स्ट डे की इंटरव्यू फिक्स कर दिया. टीम्स पे वीडियो कॉल हुई थी हमारी और जो कॉल पे था अंग्रेज, ऑब्वियसली अंग्रेज. तो गाइज आप कितने भी बड़े अंग्रेज क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े मतलब क्या बोलूँ मैं आयल्स के बादशाह क्यों ना हो, इनकी एक्सेंट शुरू में समझ आ ही नहीं सकती. मतलब मैं उसको लिटरली, मैं पता क्या नाटक मार रही हूँ, मैंने उसको बोला इंटरनेट इशू हियर, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली. गाइज ये बोल के मैंने उससे 2 बार रिपीट करवाए क्वेश्चंस एंड उसके बाद फिर जब मुझे उसके क्वेश्चन समझ में, फिर मैं उसका रिवर्ट कर रही. तो गाइज इनका एक्सेंट यार इतने शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना ये लोग, बता नहीं सकती, मतलब पता नहीं क्या गुचड़ पुचड़ कर जाते हैं. ये नहीं कि धीरे धीरे, हम लोग देखो हमारी इंग्लिश कितनी क्लियर है, सब समझ में आता है क्या बोल रहे हैं. ये तो पता नहीं धड़ बोलते जाते हैं. और चलो मतलब इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह मैं देखती हूँ, मुझे उसमें समझ में आती है, पर ये ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं क्या ही शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं बोलते हुए. शुरू में एक्सेंट का गाइज, एक्सेंट का थोड़ा यूट्यूब जो अभी हैं वहाँ पे गाइज, यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया के एक्सेंट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के लोगों के एक्सेंट बहुत डिफरेंट है और वो ये लोग हमारे कुछ वर्ड्स तो समझते ही नहीं हैं. इसका एग्जांपल देती हूँ, मैं एक दिन उधर गई, मैं उधर के मार्ट में गई और मुझे ना मतलब बर्तनों वाला सेक्शन मिल नहीं रहा था. तो मैंने के मार्ट वाली पकड़ी, मैंने उसको बोला आई नीड कटलरी. शी वाज लाइक कटलरी, कटलरी इज़ इन किचन. आई वॉज लाइक
नो आई वॉन्ट यूटेंसिल्स। उसने अपना फोन निकाला और यूटेंसिल सर्च करके देखा फोन में, और यूटेंसिल सर्च करके फिर बर्तन आए उसमें, ऑब्वियसली उसने मुझे ऐसे दिखाया दिस वन। फिर उसके बाद बोले यस दैट कॉर्नर। मैं कहा भाई मैं अंग्रेज हूँ कि मेरे को नहीं आती, कि इसको नहीं आती ये बता दो। तो गाइज एक्सेंट का थोड़ा इशू होता है। तो वाओ, तो बात से ना भटकते हुए, तो हाँ ठीक है वो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद एक और राउंड लिया, उसके बाद एक और राउंड लिया, 3 राउंड लिए ठीक है। उसके बाद गाइस 2 दिन के बाद मेरे पास उनका मैसेज आता है सेइंग कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, बस क्या बताऊँ। मतलब मुझे यह था कि यार मुझे वहाँ जाके ढूंढनी नहीं है जॉब, उसके सिरदर्दी नहीं है, बस हाँ ये पता है कि हाँ भाई नौकरी है हाथ में, कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है। तो मैंने बोला भाई ऑफर लेटर वगैरह भेज दो और क्या ही है। सिग्नेचर वगैरह उन्होंने लिए मुझसे। तो जब मैंने उनका ऑफर लेटर देखा तो उसमें लिखा था दैट आई एम अ कैजुअल इम्प्लॉय। तो गाइज यहाँ पे 3 टाइप के मतलब रोल्स कह लो होते हैं। एक होता है पार्ट टाइम, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोग जो भी करते हैं ठीक है। एक होता है फुल टाइम, जो आप कोर्स ख़त्म होने के बाद करते हो, और एक होता है कैजुअल एम्प्लॉय। तो मैं हूँ गाइस कैजुअल एम्प्लॉय। गाइस कैजुअल एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है एक परमानेंट एम्प्लॉय से। वाई? फर्स्ट बिकॉज कैजुअल एम्प्लॉय एक वो बंदा है गाइस जिसको कंपनी तब बुलाएगी जब रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैजुअल एम्प्लॉय का ये सीन है, जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, उसको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा इफ ही और शी इज लीविंग द कंपनी। बट अगर कैजुअल एम्प्लॉय की बात करें तो अगर मैं आज कह दूं कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगी, मतलब कल से मैं जॉब नहीं कर रही, तो आई एम फ्री टू डू दैट, क्योंकि मतलब मेरे ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। हाँ जी, तो कैजुअल एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, पे रेट होता है, बताऊंगी बताऊंगी। तो कैजुअल एम्प्लॉय का जो पे रेट होता है वो ज़्यादा होता है एक परमानेंट एम्प्लॉय से। द ओनली रीज़न इज़ दैट देर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। बट गाइज अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की, तो यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो यूँ लगा कर चलो कि अगर मैं इनको ये भी बोल दूँ ना मैं 10 घंटे काम कर लूँगी, तो ये बोलेंगे हाँ प्लीज़ प्लीज़ कर दो, क्योंकि इनको रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। तो अब मेरा क्या काम रहता है कि बींग अ कैजुअल एम्प्लॉय, इफ देर इज एनी टीम, इफ देर इज एनी टीम दैट इज लुकिंग फॉर अ रिसोर्स, दे विल आस्क मी टू वर्क फॉर देम। लेमन टर्म्स में बताती हूँ, जैसे कंडक्टर है लॉरियल के प्रोडक्ट्स का ठीक है। तो एक टीम होती है क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करती है ठीक है, उसके बाद एक टीम होती है जो डेटा प्रोसेसिंग करती है, एक टीम होती है जो डेटा कोडिंग करती है, फिर उसके बाद एक टीम होती है जो डेटा को स्क्रिप्ट करती है, उसके बाद एक टीम होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में होती है, उसके बाद एक टीम होती है जो रिपोर्ट राइटिंग करती है, एंड जो लोग फाइनल रिपोर्ट रेडी करते हैं ठीक है। तो गाइज मैं सारी टीम्स का पार्ट हूँ और मैं सारी टीम्स की एम्प्लॉय। तो ये लगा के चलो कि मैं एक टीम में नहीं हूँ, मैं पूरे कंपनी के सारे टीम्स में हूँ। तो मुझे सारे प्रोसेस की नॉलेज है। अब मैं अभी के लिए 8 घंटे की शिफ्ट मार रही हूँ, और मेरा पे रेट है गाइस $30 पर आर, और मुझे सुपर एनुएशन मिलता है। सुपर एनुएशन इज़ मोर लाइक PF जो हमारा कटता है इंडिया में, इट्स लाइक दैट। और मेरा सुपर एनुएशन है $4 पर आवर, तो इट मेक्स इट $34 पर आवर, विच इज़ अ नाइस पे रेट ठीक है। तो गाइज बस यही मतलब भगवान से प्रे कर रही हूँ कि 8 घंटे वाला जो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कर रखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, ये कम ना हो, क्योंकि अगर ये 20 घंटे हो गया पर वीक, तो गाइज वही फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कैश पे काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स फिर यही करते हैं, कैश पे काम करते हैं। और कैश पे जो काम करते हैं ना, मोस्टली इंडियंस यहाँ पे कैश पे काम करवाते हैं, और गाइज पे रेट वो लोग इतना कम देते हैं ना, यूं लगा के चलो कि मैक्सिमम भी आपको $20 मिल जाएगा पर आवर का। और काम गाइज हड्डी तोड़ के रख देते हैं, हड्डी, मतलब वो आपसे $50 का काम लेंगे $20 में, और
सच में मतलब कैश वाला काम तो है भगवान, मतलब यहाँ पे दो चार लड़कियाँ जिनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में, और वो ये चीज़ मेंशन कर रहे थे कि यार 8 बस 20 घंटे ना हो जाएं, वरना वही इन कैश वालों के पैर पकड़ो और नौकरी लगो, और फिर इनके भाव बढ़ जाते हैं और फिर ये पे रेट कम देते हैं और काम ज़्यादा निकलवाते हैं। बस वही चीज़ चल रही है दिमाग में, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि अभी 20 घंटे हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वही है फीस वगैरह नहीं निकल पाएगी। जब तक 8 घंटा तब तक तो बहुत बढ़िया है। और अब आप कहोगे कि हमें तो बता दो कि हम कैसे जॉब ढूंढें, तो गाइज अभी ना मैंने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट नहीं किया, तो मेरे इतने दोस्त वगैरह बने नहीं हैं, ठीक है। बस यहीं आसपास जितने लोगों से बात हुई है, 2-4 लोगों से, तो यहाँ पे जो मतलब लड़कियाँ जो जॉब कर रही हैं वो वेयर हाउस में कर लिया, रिसेप्शनिस्ट हो गई। और गाइज यहाँ पे ना रेफरेंस का बहुत बड़ा खेल है, बहुत तगड़ा खेल है रेफरेंस का। मतलब अगर आपका रेफरेंस है ना तो जॉब लग जाएगी, अगर नहीं है ना तो मतलब शुरू शुरू में ना आपको कम पे रेट वाली ही कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि आप अनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन बाय टाइम आपको पे रेट अच्छा मिलने लग जाएगा जैसे आपका एक्सपीरियंस बनेगा किसी चीज़ में, ठीक है। जॉब्स की कमी नहीं है, ये तो मैं स्ट्रेट वे कह रही हूँ कि जॉब्स की कमी नहीं है, क्योंकि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया खुला है और गाइज मजदूरों की बहुत ज़रूरत है जो कि अभी जुलाई में आ रहे हैं। आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा, लेकिन मतलब जैसे मैं और लोगों से मिलूँगी, यूनिवर्सिटी में मिलूँगी, उनके जॉब्स के बारे में पता चलेगा, तो मैं एक बेटर पिक्चर क्रिएट कर पाऊँगी अपने माइंड में कि ठीक है जॉब्स कैसे ढूंढ रहे हैं बच्चे और ये वो गम ट्री पे ढूंढ रहे हैं, कैसे जॉब्स लग रहे हैं। क्योंकि जब वहाँ जाऊँगी तो मतलब स्टूडेंट से मुलाकात होगी, बातें होंगी, तो यू नो पता चलेगा कि क्या कुछ सीन है जॉब्स का। लेकिन हाँ ये तो मैं कंफर्म कर ही रही हूँ कि जॉब्स की कमी नहीं है, अभी का टाइम ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए बेस्ट है, बेस्ट सीरियसली। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल, अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।